गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में आप सबों का स्वागत है जो कि वर्ग पांचवें से है और विषय हिंदी है। हिंदी के पाठ्य पुस्तक या अध्याय 12 नंबर है जिसका शीर्षक है सही समय। अब इसके अगर हम शब्दार्थ को देखेंगे तो शब्दार्थ हल का अर्थ उपाय से है, निश्चित अर्थात तय या पक्का, वैद्य का अर्थ चिकित्सक से है, जन यानी लोग या मनुष्य, चर्चा यानी जिक्र, अंगरक्षक यानी शरीर के रक्षा के लिए नियुक्त जो सैनिक होते हैं वे अंगरक्षक कहलाते हैं। अभय जुर्मु यानी झाड़ी या वृक्ष लताओं का समूह, लगन यानी किसी काम में पूरी तरह ध्यान लगाना वो लगन होता है, चेतना यानी होश, शत्रु का मतलब दुश्मन से होता है, प्रतिशोध का मतलब बदला, संकट का अर्थात मुसीबत, क्षमता शक्ति या सामर्थ्य। या सही समय अगर हम देखेंगे तो सही समय शीर्षक से ही लगता है कोई सही समय के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। वह कौन सा सही समय के बारे में बताया जा रहा है इस अध्याय के बारे में हम देखेंगे, तभी हमें जानकारी मिलेगी कि वह कौन से सही समय के बारे में बताया जा रहा है, क्या सही समय है, किसके बारे में वह सही समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह एक मुख्य पात्र को अगर हम देखेंगे तो राजा है और साधु के बीच ये कहानी जो है, ये जो दृश्य है इसको झलकाया गया है। लेकिन इस बीच में राजा और साधु के बीच के जो कड़ी है उसमें भी कई सारे अनेकों पात्र आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातों के माध्यम से राजा के सम्मुख बात को रखा है। जैसे राजा का यह प्रश्न था, तीन प्रश्न, और यह तीन प्रश्न जो था यह तीन प्रश्न उसके केंद्र बिंदु थे। जैसे पहला प्रश्न था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। यह प्रश्न था पहला प्रश्न कि किसी भी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। और दूसरा प्रश्न था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। यह दूसरा प्रश्न में आता है, किसकी बात सुनना चाहिए और किसे टालना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है, जो सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। यह तीन रूपों में अगर हम देखें, तीन बातें कही गई है, तीन प्रश्न रखे गए हैं और तीनों प्रश्न का अपने अपने रूप में अलग अलग उत्तर जो लोगों ने दिया उसके आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। जैसे राजा का यह प्रश्न था, तो यह तीनों प्रश्न था, तो लोगों ने कुछ अपनी बातों को अलग अलग तरीकों से कहा है कि जैसे किसी कार्य को करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने महीनों में या कितने समयों में पूरा होगा। तो कुछ का विचार था कि ठीक समय पर कार्य करने से यह समय पूरा होता है, कुछ का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन होता है, कि नष्ट नहीं करना चाहिए समय। तो इस तरह 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 की बातों को उन्होंने अपने इस बात पर रखा, लेकिन राजा को यह सब जवाब जो है वो उन्होंने सुनाया। लेकिन दूसरा जवाब सवाल था, लोगों का कहना था कि राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं, जो है राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं, कुछ पुजारी और कुछ वैद्य की बात को सुनना जरूरी बता रहे थे, तो राजा के लिए आवश्यक सैनिकों को इस बात को आवश्यक माना। और तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे, जैसे सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, यह भी प्रश्न अगर उनके सामने जो रखा गया था तो इस प्रश्न के भी उत्तर अनेकों थे। जैसे सबसे जरूरी कार्य कौन सा है यह सवाल था, तो इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञान विज्ञान तो कुछ ने रणनीति के बारे में लोगों ने जानकारी दी, किसी और ने दान धर्म के बारे में बातें बताई। सारे प्रश्न जो उत्तर थे, सारे उत्तर अलग अलग थे, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के थे। राजा को एक भी उत्तर इसमें से सही नहीं लगा, एक भी उत्तर इसमें से राजा को इससे संतुष्टि नहीं हुई। तब उनके मन में विचार आया और वे आगे बढ़े, तो राजा ने सुन रखा था कि जंगल में कई वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं, तो उनके पास जाने की इच्छा, और वे जब उसके पास गए तो राजा ने राष्ट्रीय वस्त्र जो पहनते हैं राजा लोग उसे उतार कर उसके पास पहुंचे थे। और जब साधु की झोपड़ी दिखाई दी तो साधु के पास वे पहुंचे और बड़ी लगन से वह देखे कि साधु जो है एक खुदाई करने में जुटे हुए हैं और उनका शरीर दुबला पतला है और जोर जोर से वे सांस ले रहे हैं। इस बात से
वे अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहते थे उनसे, और वे उदाल चलाते हुए हाँपते हाँपते रो रहे थे। कई समय बीत चुका था, तब बाद में उन साधु के सम्मुख देखा कि एक आदमी वहां पर आया और वह बेहोश करा रहा था, और उस राजा ने उस व्यक्ति की काफी मदद की। और उस व्यक्ति ने जब ये बात बताया कि मैं आपसे प्रतिशोध की भावना लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन आपने मुझे मेरी काफी सहायता की, मेरी मरहम पट्टी की, आपने मेरी जान बचाई, तो यह बात सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए और उसको माफ कर दिया, उसे कोई दंड नहीं दिया। और इस बात को जब उस साधु ने जाना, तो साधु ने जब यह देखा कि वह आदमी दौड़कर मेरे पास आया था, मरहम पट्टी उसने की थी राजा ने, तब यह प्रश्न के उत्तर पर भी उसने कहा था, याद रखना सही समय वह होता है जो हमारे पास किसी की भी तरह की शक्ति या क्षमता होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, अर्थात जिसमें हमारी क्षमता के सहयोग की आवश्यकता होती है, और सबसे जरूरी काम अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना है, वह अपनी क्षमता का सदुपयोग करना है। हमें जीवन मिला है इसलिए दूसरों के काम आने के लिए। इतना कहकर साधु चुप हो गए और उनके प्रश्नों का सही उत्तर पाकर राजा को इस बात से संतुष्टि हुई। तो यह था इस अध्याय का मुख्य अंश। अब यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, हम मिलेंगे फिर अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।